लखनऊ संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी के साथ राजधानी लखनऊ के मतदाताओं के मन की बात जानने की अविरल टाइम्स की मुहिम भी रोजाना आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में अविरल टाइम्स की टीम ने आज बात की लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ युवाओं और लखनऊ के नागरिकों से। इस समय हम लखनऊ विश्वविद्यालय में बैठे हुए हैं और हमारे साथ कुछ युवा बैठे हुए हैं जो फर्स्ट टाइम वोट भी डालेंगे और जो कई बार डाल भी चुके हैं वोट। राजनाथ सिंह लखनऊ से तीसरी बार सांसद के रूप में उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। आपको 10 वर्षों में लखनऊ में विकास नजर आया, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से तो वही लखनऊ के सांसद थे। जी, उस हिसाब से अगर देखा जाए, मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है कि मतलब काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी मतलब पहले की अगर देखा जाए कि हमारे जो पेरेंट्स बता देंगे पहले उतना नहीं था, मतलब सड़कें वड़के उतनी नहीं थी, बट अभी धीरे धीरे मतलब और ज़्यादा काफ़ी विकास हो रहा है हमारे। देखिए, पिछले कुछ सालों में तो क्योंकि डे बाय डे एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लखनऊ पहले से ज़्यादा एडवांस हो चुका है। सर, विकास तो है, लेकिन सर यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे सीवरेज वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ड्रेनेज की प्रॉब्लम्स हैं, और जैसे हम लोग थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो मतलब रोड टूट जाती है और मतलब सारा पानी पूरा लखनऊ पानी में ही बह जाता है। बाकी तो ठीक है, बाकी दिख भी रहा है, वो नज़र भी आ रहा है। उनका कार्यकाल तो काफ़ी अच्छा रहा लखनऊ में, क्योंकि उन्होंने 10 सालों से काफ़ी मतलब अब तो काफ़ी माहौल अच्छा हो गया है। पहले तो काफ़ी सेफ नहीं फील करते थे लोग लखनऊ में। कार्यकाल तो बहुत बढ़िया रहा, वैसे भी व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत अच्छे आदमी है। कार्यकाल इनका बहुत अच्छा था। जो वर्तमान में है अमित शाह जी, उनसे तो बहुत अच्छा था। मंत्री के अलावा उन्हीं के टाइम पर पुलवामा अटैक हुआ, हम लोगों ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया इंडिया वर्सेस। उन्हीं के टाइम पर उरी अटैक भी हुआ था, बहुत बढ़िया जवाब दिया। माननीय राजनाथ सिंह का जो कार्यकाल रहा है, उनका काम रहा है, केवल अपने भारत के स्तर से ही नहीं, वो विश्व के स्तर से भी। जैसे हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, अभी प्रेजेंट टाइम में भी हैं, तो उनका जो है काम, चाहे वो इंडिया के लेवल पे हो चाहे वर्ल्ड के लेवल पे हो, बहुत ही अच्छा रहा है। क्योंकि बहुत अच्छा रहा है और हार्दिक धन्यवाद माननीय मोदी जी को कि उन्होंने पुनः राजनाथ सिंह जी को लखनऊ जनपद से सांसदी का टिकट दिया। और वो देखिए, जिस हिसाब से अगर हम माननीय सांसद, अपने सांसद, हमारे सांसद, जी, 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 हम सबके सांसद राजनाथ सिंह जी की अगर बात करें तो जो एक विशाल व्यक्तित्व के स्वामी हैं, उनको आप जिम्मेदारी, अगर चाहे घर परिवार की हो, उनके क्षेत्र की हो, संपूर्ण देश की हो, वो तो देश की जिम्मेदारी उनको दी गई। दोनों कार्यकाल में उन्होंने अपना बहुत बेस्ट किया। अच्छा, तो मतलब 10 में से आप कितना नंबर देना चाहोगे राजनाथ जी को? 10 में से 9 तो देना ही चाहोगे। सर मैं पूरे ही देना चाहूँगा क्योंकि मुझे सब अच्छा ही लगा। 8 7 सर 10 में से 6 8.5 कैमरा पर्सन हिमांशु कश्यप के साथ अंशुल शुक्ला, अविरल टाइम्स।